अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे और हमारे पास जो इसका फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो ये हमारे पास जो है उसका चैप्टर नंबर 1 है। क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैंने मोबाइल पर बुक को डाउनलोड करके इसको ओपन किया हुआ है। सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सेट जो है वो क्या होता है और फिर उसकी एक दो एग्जांपल जो है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले सेट क्या होता है। सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects। so इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कलेक्शन, well defined, distinct और ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। so ऑब्जेक्ट्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, सो ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मैं मार्कर के साथ डस्टर है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये जो मोबाइल है ये भी एक किस्म का ऑब्जेक्ट है। टेबल चेयर सब चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैथमेटिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, ठीक है, उनको हम नंबर्स के अंदर जो है वो लेते हैं। सो वो जो नंबर्स आपके पास हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं और उनको दूसरा नाम जो है वो एलिमेंट्स का, यानी कि उनको एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है जी। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, 1, 5, 7, 3 जो भी आप जो है वो समझें, तो वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। नंबर चीज आती है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है। सो ये जो वेल डिफाइंड लफ्ज है इसके नाम से ही ये चीज हमें पता चल रही है कि सही तरह से, अच्छी तरह से बयान हुआ, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ आपके सामने मौजूद हो वो जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखने से पता चलती हो कि भाई ये किस बारे में बात हो रही है या ये क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने, आपके सामने लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जिसको भी आप दिखाएं या आप इसको खुद देखें तो आप बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि ये काउंटिंग है और ये 1 से स्टार्ट हो रही है और ये 10 पे खत्म हो रही है। इसी तरह इसकी मिसाल और इसी मिसाल क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 18, 20। अब ये भी आप मतलब अगर और से देखें और किसी दूसरे को समझाना चाहें तो आप यही बताएंगे कि ये बेसिकली काउंटिंग ही है, मगर ये स्पेशल काउंटिंग है क्योंकि इसमें 2 का टेबल चल रहा है। हर नंबर में 2 का डिफरेंस है तो 2 का टेबल चल रहा है। सो ये दोनों चीज़ें जो आपके सामने मैंने लिखी हैं ये वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह से हमें इसकी समझ जो है वो आती है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें और मैं इसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज करके लिखने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास आ जाए 1, 2, फिर मैं दोबारा से जो है वो 0 डालता हूँ, फिर 5, फिर 4, फिर जो है वो 10, फिर 9, फिर अब है तो ये भी नंबर्स ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कहीं से भी, एक तो इनकी तरतीब जो है वो मिस हुई हुई है, तरतीब नहीं है, दूसरा ये कहीं से भी कोई भी देख के इसको नहीं बता सकता कि ये मतलब किस तरह के नंबर हैं और ये क्या रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं। लिहाजा हमेशा वेल डिफाइंड वो चीज़ें होंगी, वो नंबर्स होंगे जो कि आपको समझ आ रहे हों या आप दूसरों को बता सकें कि भाई वो क्या है, ठीक है। तीसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है डिस्टिंक्ट। सो डिस्टिंक्ट का बेसिकली तो मतलब ये होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम या एक दफ़ा। तो आपके पास जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें आपने ये देखना है कि जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ 1 टाइम ही आ रहा हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें हर एलिमेंट जो है वो यूनिक है,
इसको आप यूनिक के नाम से भी कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट इज यूनिक। तो जब यूनिक एलिमेंट्स होंगे तो इसका मतलब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, वन टाइम आ रहे हैं, कम से कम आ रहे हैं और एक दफा आ रहे हैं। सो अगर मैं कह देता हूँ, ये ठीक है बात, अगर मैं कह देता हूँ कि मैं ऐसा लिखता हूँ 1 2 1 4 2, सो इसमें को 1 जो है वो यूनिक नहीं है, 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये चीज डिस्टिंक्ट नहीं है, ये है नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो जब ये डिस्टिंक्ट नहीं हो गए तो फिर हमारा वो सेट जो है वो नहीं कहलाएगा। फाइनली कलेक्शन, सो कलेक्शन किसको बोलते हैं, जमा करने को। कलेक्शन का उर्दू मतलब क्या होता है, जमा करना। मिसाल के तौर पे आप जो है वो पैसे जमा करते हैं, अब पैसे जब जमा करते हैं तो वो आप ऐसे ही जाके फेंकना नहीं शुरू कर देते, बल्कि उसके लिए आपके पास कोई खास एक चीज होती है, कोई बॉटल होती है, कुछ भी होता है, कोई बॉक्स होता है जिसमें आप जो है वो पैसे अपने जमा कर रहे होते हैं, तो उसको कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सेम ये जो कलेक्शन है इसमें भी आप जो है वो अपने जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं उनको फेंक नहीं देते, बल्कि आप उसको किसी खास किस्म की ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो बंद करते हैं, और जब उन ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ एलिमेंट्स को बंद कर दें जो कि आपको समझ आ रहे हो, ये काउंटिंग है 1 से 5, ये मुझे समझ आ रही है, ये वेल डिफाइंड भी हो जाए और इसमें कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, ये डिस्टिंक्ट भी हो जाए और इनको ब्रैकेट्स में बंद भी कर दें, तो इसका मतलब सारी जो हमने अभी डिस्कशन की है कलेक्शन डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ये सब का सब पूरा हो जाता है, और इस चीज को हम बोलते हैं सेट। ठीक है, सो सेट के लिए क्या होना जरूरी है, 1 कलेक्शन, 2 वेल डिफाइंड, 3 डिस्टिंक्ट। अगर आपके पास तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं है सो इसका मतलब ये फिर आपका जो है वो सेट नहीं होगा। अच्छा, हम सेट की कुछ एग्जांपल्स जो है वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो आपको पता है ये होते हैं 1, 2, 3 अप टू 7। ठीक है जी, इसी तरह और एग्जांपल अगर देखें तो सेट ऑफ होल नंबर, तो वो क्या होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये सारी एग्जांपल, ये जितनी भी एग्जांपल्स और आपकी जो बुक में भी दी हुई है ये सारी की सारी जो है वो सेट की एग्जांपल्स जो है वो हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं सबसेट की। सो सबसेट क्या होता है, तो सबसेट जो ये पूरा लफ्ज है ये दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो रहा है, एक है सब और एक है सेट। जो सब होता है ये होता है हिस्सा और सेट को आप सेट ही बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सब सेट का पूरा उर्दू तर्जमा करूं तो मैं कहूंगा सेट का हिस्सा, सेट का हिस्सा। सो सेट का हिस्सा होने का मतलब क्या है, एग्जांपल के दे के आपको बताते हैं। एक अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 है और बी आपके पास 1, 2, 3 है, तो अगर थोड़ा सा गौर करें ये पूरा 1, 2, 3 इधर पूरा का पूरा मौजूद है, ये 1, 2, 3 जो बी में है ये ए के अंदर क्या है मौजूद है, इसका मतलब मैं कहूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर, बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। इसी तरह मतलब आप और एग्जांपल भी जो है वो ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ए जो है वो 1, 2, 3 है और बी जो है वो 1 है, तो 1 इधर भी मौजूद है, तो इधर भी यही बात होगी कि बी जो है वो सबसेट ऑफ ए। ठीक है जी, सो सबसेट सेट का हिस्सा, और हिस्से से मुराद ये होता है कि जो भी दूसरा सेट है उसमें जो भी एलिमेंट्स मौजूद है वो पहले वाले सेट में होने चाहिए, अगर वो हैं तो फिर वो जो है वो हमारे पास क्या होता है, सबसेट के होता है। सबसेट की जो है वो दो टाइप्स होती है, सबसेट की दो टाइप्स है, पहली है प्रॉपर सबसेट और दूसरी है
इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सो प्रॉपर सबसेट से मुराद ये है कि एग्जांपल के दे के बात करते हैं, अगर ये आपके पास 1, 2, 3, 4 है, सो और बी आपके पास जो है वो 1, 2, 3 है, तो अब बी ए का सबसेट है, लेकिन बी ए का प्रॉपर सबसेट भी है, और वो कैसे है? आप देख लें कि ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि बी में नहीं है, ठीक है। सो सब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन द अदर सेट। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, या वो बी में होगा या वो ए में होगा, ठीक है, जैसे कि ये 4 है, वो दूसरे वाले सेट में मौजूद ना हो, देन जो दोनों आपस में जो सेट है वो आपस में क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और मिसाल देखना चाहें, सी जो है वो हमारे पास है 1, 3, 5, 7, और डी हमारे पास है 1, 3, 5। अब इधर भी गौर करें तो ये 7 जो है ये इधर मौजूद नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट दूसरे में मौजूद नहीं होना चाहिए, और जब वो नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट आपस में क्या है? प्रॉपर सबसेट है। बेसिकली ये सबसेट तो है ही, लेकिन ये प्रॉपर तब बनेंगे जब कोई एक एलिमेंट जो है वो दूसरे में मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब हम आगे एक्सरसाइज पर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट, सो इम्प्रॉपर सबसेट या आप इसको सबसेट बोल लें, दोनों एक ही बात है। कैसे? ए जो है वो 1, 2, 3, 4 है, बी भी आपके पास 1, 2, 3, 4 है, तो ये दोनों सेट जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या है? सबसेट भी हैं और एक दूसरे के इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो भी पहले सेट में मौजूद है वही दूसरे सेट में भी मौजूद है, सो इट्स मीन कि ये क्या है? एक इम्प्रॉपर जो है वो सबसेट है, ठीक है। अच्छा चलो हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं जल्दी से। सो हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है जी। हमने तमाम सेट्स के जो है वो सबसेट मालूम करने हैं जी। तो ये एक हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो दिया गया है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सेट के सबसेट मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने सबसेट्स निकलेंगे। अब इस एम्प्टी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं इसका मैंने पता लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स वो पता चलता है 2 की पावर n लेने से, 2 की पावर 10। अब n क्या है? इधर जितने एलिमेंट होंगे ना वो n कहलाएगा। अब चूंकि यहां पर एक एलिमेंट भी नहीं है, इसका मतलब n क्या होगा? 0 होगा। आप इसको इसमें पुट करते हैं 2 की पावर 0, और आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने 7th क्लास में चैप्टर 4 में पढ़ा था कि 2 की पावर 0 जो है वो क्या है? 1 होता है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस पूरे एम्प्टी सेट का जो सबसेट होगा वो एक ही होगा। आपने याद रखना है, आप इधर लिखेंगे इसको, बल्कि आपने नाम भी देना, लेट ए इज इक्वल टू देन सबसेट ए इज इक्वल टू, याद रखना है कोई भी सेट हो उसका हमेशा जो पहला सेट होता है वो एम्प्टी होता है, पहला जो सेट होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, ठीक है। अब चूंकि ये ऑलरेडी था ही एम्प्टी, और एम्प्टी का सबसेट एम्प्टी आ गया,
और वो एक ही है, लिहाजा एक ही सबसेट बनता था, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, क्वेश्चन नंबर टू है वो है वन। अब पहले मुझे इसके नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने हैं, सो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2n। अब n यहाँ पर 1 है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो इसलिए 1 है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है। इसका मतलब इसके दो सबसेट बनेंगे, तो हम ये लिखेंगे लेट b इज इक्वल टू 1, और इसके सबसेट में बनाने लगा सब सेट ऑफ बी। सो याद रखें पहला जो होता है वो हमेशा एम्प्टी होता है हर सेट का, और दूसरा ये चूंकि अकेला खुद ही है लिहाजा ये अकेला ये वाला। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास तीसरा इसका पार्ट है, पॉइंट नंबर टू सॉरी थ्री, क्या है ए और बी। सो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब n कितने हैं, 1 2, लिहाजा 2 की पावर 2 क्योंकि 4 होता है, इसका मतलब इसके 4 सबसेट बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, लेट c इज इक्वल टू ए बी, देन सबसेट ऑफ c इज इक्वल टू, सबसे पहले ये हमने डालना, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ एम्प्टी होता है, ठीक है। फिर ये देखें इसमें दो एलिमेंट है, पहले अकेला अकेला आता है, जब अकेला अकेला पूरा हो जाएगा फिर दो दो करके आते हैं, चूंकि ये है ही दो, ये दो आ जाएगी। ये आपके पास देखिए क्या निकला है, सबसेट निकला है कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको सबसेट निकालना आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर 1A, क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके आपने क्या बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट बनाने हैं जी। तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे, इसके सबसेट्स होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, वही सेम तरीका वो होंगे, देखें या वो 2 की पावर n से मालूम होगा, एलिमेंट कितने हैं, एक है, इसका मतलब 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। दो सबसेट इसके बनेंगे, तो इसको भी आप नाम दे सकते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, देन सबसेट ऑफ ए जी। सबसेट इसका होगा पहला एम्प्टी, दूसरा ये खुद होगा। अब याद रखें ये सबसेट है, हमने प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर के लिए क्या होगा, ये आपने सबसेट निकाल दिया, अब लिखेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट एक एलिमेंट मौजूद नहीं होता, लिहाजा आपने ये करना है कि सबसेट में से जो भी आखिरी सेट होगा उसको निकाल देना है। ये आपका जो है वो क्या आ गया, ये बेसिकली प्रॉपर सबसेट है इस वाले सेट का, ठीक है। चले मजीद आपको क्लियर करता हूं बात। थ्री पार्ट ये है, 1 2 3। अच्छा अब पहले मुझे ये पता चलना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो कितने होंगे जी, वो होंगे 2 की पावर n। अब इधर n कितने एलिमेंट हैं, 3, इसका मतलब यहाँ पर हम जब पुट करेंगे 2 की पावर 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब इसके 8 सबसेट बनने हैं, वो से देखेंगे लेट c इज इक्वल टू 1 2 3, तो सबसेट सबसेट्स ऑफ c कैसे बनाएंगे, देखें पहले एम्प्टी होता है फिर हर एलिमेंट अकेला आता है, 1 2 3 अकेला आ गया, फिर आपने दो दो करके लिखने हैं, आप पहले 1 2 आएंगे फिर 1 और 3 आएगा फिर 2 और 3 आएगा, जब दो दो भी पूरे हो जाएंगे फिर आखिर में आपने 1 2 3
ये पूरा कर देते हैं, ठीक है, इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होता है, सबसे पहले एम्प्टी, फिर आपके पास तीन एलिमेंट है, हर एलिमेंट अकेला अकेला सेट बनेगा, देखें 1 2 3 ब्रैकेट में डाल के अकेला सेट, फिर दो दो करके पहले 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3, ठीक है, उसके बाद आपने इकट्ठा जब करके लिख देना है, जब आपके पास तीनों जो है वो दोनों दो 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 पूरे हो जाएंगे। अब ये सबसेट आ गए, इसका प्रॉपर सबसेट कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ इसका प्रॉपर कैसे लिखेंगे। आखिरी वाले सेट को वाइप कर देंगे, एम्प्टी 1 2 3 1 2 1 3 2 3, आखिरी वाले को मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आप ये वाला सारा काम नहीं करें, बेशक बेशक ये वाला काम छोड़ दें, आप डायरेक्ट यहां से यहां आ सकते हैं, आप डायरेक्ट यहां से यहां आ सकते हैं अगर आपको समझ आ गई है। ये आपको समझाने के लिए बताया कि पहले सबसेट बनते हैं, सबसेट से फिर प्रॉपर में जाते हैं, तो प्रॉपर के लिए आखिरी जो भी होता है सेट उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है भाई। इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। वो कहता है जी पावर सेट जो है वो बनाना है आपने, सो ए बी सी। पावर सेट हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पावर सेट बनाने के लिए मुझे सबसेट चाहिए, ठीक है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएंगे 2 की पावर n एंड n इज इक्वल टू 3, सो इट्स मीन 2 की पावर 3 और ये आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब मुझे इसकी क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने, सो लेट a इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके सबसेट कैसे बनेंगे, सबसेट्स ऑफ a, देखें पहला आपके पास हमेशा क्या होता है एम्प्टी, दूसरा आपके पास होता है a, तीसरा आपके पास होगा b c, अकेला अकेला आ गया, फिर ए बी इकट्ठा, फिर बी सी इकट्ठा, फिर ए सी इकट्ठा और आखिर में ए बी सी। ये आपने क्या बना लिया, सबसेट बना लिया। अब आपने इसको पावर सेट बनाना है, क्या बनाना है, पावर सेट। तो पावर सेट के लिए सिंपल सिंपल तरीका याद लिखेंगे, पावर पावर सेट ऑफ ए, ये सारे के सारे आपने नीचे उतारने, फर्क ये होगा कि आपने लगानी है एक बड़ी ब्रैकेट, ये देखें मैंने सारे उतार लिए और मैंने लगाई एक बड़ी ब्रैकेट, और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर मैंने सारे के सारे छोटे सबसेट्स को क्लोज कर दिया है। अब जब बड़ी ब्रैकेट लग गई, इसका मतलब इस वाले का जो पावर सेट है वो ये है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम अगले लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस तमाम जो रिलेटेड लेक्चर के हवाले से, तो फिर आप जो है वो मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।